नमस्कार, उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हमारी आज की वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी आप किसी को इंडियन पोस्ट के थ्रू अपने पार्सल कोई भेजते हैं या फिर कोई पार्सल रिसीव करते हैं, उससे पहले ये जानकारी दे दें कि इंडियन पोस्ट एकमात्र ऐसा कुरियर सर्विस है जो पूरे भारत में किसी भी कोने तक आपके पार्सल को पहुंचा सकती है, वो भी बहुत आसान और सुगम तरीके से। इंडिया पोस्ट दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों में भी अपने बेहतर सर्विस के लिए जानी जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि किसी को भी भेजा गया पार्सल या फिर हम अगर पार्सल कोई रिसीव करने वाले हैं तो उसे ट्रैक कैसे करें, कैसे पता करें कि आपका पार्सल अभी किस जगह में है और कितना समय इसको लगेगा पहुंचने के लिए। तो चलिए आप सबको इसका एक डेमो दिखाते हैं। सबसे पहले जब हम मेडिसिन बुक करते हैं, जब हम कोई भी पार्सल भेजते हैं, तो हमें एक ट्रैकिंग आईडी इस तरीके से मिलता है। तो हम उस ट्रैकिंग आईडी को नोट कर लेंगे कहीं पर या फिर उसको कॉपी कर लेंगे और उसके बाद हम गूगल पर जाएंगे और गूगल पे इंडिया पोस्ट सर्च करेंगे। ये हम पहुंच गए इंडिया पोस्ट और यहाँ पे ये जो स्क्रीन दिख रहा है ये इंडियन पोस्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है। हम इस पर ट्रैक कंसाइनमेंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये इंटर कंसाइनमेंट नंबर में पहले से हमने कॉपी कर रखा था, आप सीधे यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो। और उसके नीचे इवेलुएट द एक्सप्रेशन, यहाँ पर अलग अलग तरीके से इवेलुएट करने के लिए आते हैं, कभी जोड़ करने के लिए, कभी घटाव करने के लिए। तो यहाँ पर हमें जोड़ करने के लिए बोला गया है 6 + 3 = 9। अब हम सर्च पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने सर्च पर क्लिक किया यहाँ हमें सारा चीज़ दिखा दिया गया। यहाँ पर ये दिखेगा सबसे ऊपर में कि मेडिसिन या फिर जो आपका पार्सल है बुकड एट कहाँ पर बुक किया गया है, बुक कब किया गया है और डेस्टिनेशन का पिन कोड क्या है, डिलीवरी का लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। और दूसरा चीज़, आज के तारीख में 29/4/2024 में 16:14 यानी कि 4:15 के आसपास में आपका इवेंट दिखा रहा है कि आइटम आपका डिलीवर हो गया है। ये सारी चीज़ें आप नीचे से देख सकते हो कि आपकी मेडिसिन कब बुक की गई थी, 22 तारीख को, और बुक करने के बाद किस किस जगह तक पहुँची है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। तो इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि जब भी हम कोई मेडिसिन, कोई पार्सल किसी भी पोस्ट ऑफिस में बुक करते हैं स्पीड पोस्ट के लिए, तो हम उसे किस प्रकार से ट्रैक कर सकते हैं और किस प्रकार से ये पता लगा सकते हैं कि हमारी पार्सल कहाँ पहुँची है। तो इस तरीके से आप पोस्ट ऑफिस द्वारा भेजे गए किसी भी पार्सल को ट्रैक कर सकते हो, जिससे आप ये जान सकते हो कि आपकी जो आर्टिकल है, जो पार्सल है, जो सामान आपने भेजा था या फिर जो आप रिसीव करने वाले हो किस जगह पर है और कब तक ये आपके पास पहुंचेगी। तो बस इसी के साथ हम आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपनों का। एक छोटी सी गुजारिश है कि काफी लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं आइडिया है, वो पार्सल भेज तो देते हैं पर उनको आइडिया नहीं है कि इसको हम ट्रैक कैसे करें, या फिर काफी लोगों को यही आइडिया नहीं है कि इसको ट्रैक भी किया जा सकता है। तो गुजारिश है आप सबसे कि इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है। नमस्कार।